नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन एटा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज रो जहाँ को आसो सॉल्व करो किसी ये नहीं पाठ समस्त सामान किसी ओडिया मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं सॉल्व कर रे फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल एक्स एंगल एक्स कौटा कहल एंगल मेजर पचार हला बुझे कि नहीं सर ना 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 एंगल एक्स पर एटा दिस इज स्मॉल एक्स हला एक्सटा हूँ कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ हूँ एक्स कोऑर्डिनेट एटा हूँ वाई कोऑर्डिनेट एटा हूँ सेवेंटी टू कहले ए झीटा ए एंगल टा सर मोर भी 72 भाग छी अन्य मान कर केते को बाहर छी सर मोर भी 72 सर 72 वेरी गुड चाही बुझी परनु तोरी संगे से पड़ी कर दउ चंदी ए सर 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 72 गई ना 45 बजे 45 एटा 45 हो 63 तब जब एडिशन करते के 18 रो माइनस कर ले 78 वेरी गुड करिया डम सॉल्व कर छी देखा कर दो सब तो हो छी कर दो कितना लागि हमको तो ए यदि ए एटा 63 हैला तो एटा 45 माने ए ए ए एंगल लगे तो 45 माने नहीं यस सर वाई भी 45 हो तो वाई 45 45 53 63 केते हैला सर 108 এইটা হচ্ছে মনে কর এ বি সি ডি স্কোয়ার কি না আচ্ছা এইটা হচ্ছে গোটে মনে কর পি সি এটা পি সি এটা মনে কর কিউ এই পয়েন্টটা হচ্ছে কিউ এটা পয়েন্টটা হচ্ছে আর ইয়ে গোটে স্কোয়ার হ্যাঁ আর গোটে স্কোয়ার হচ্ছে গোটে এইটা মনে কর এটা হচ্ছে এম সি এন ও ইয়ে গোটে স্কোয়ার 4টা স্কোয়ার পাইলে কি না আমি 3টা স্কোয়ার পাইলে আচ্ছা जो ए बी सी डी स्क्वायर अच्छी ए बी सी डी स्क्वायर रे सी एंगल टा 90 डिग्री कि नहीं यस सर हला तो से सी एंगल टा को एंगल टा मिसि मिसि होजे ए एंगल प्लस ए एंगल मन करे ए एंगल टा को बी बी धरिबा बुझि होजे हले हम को पहिले एक्स प्लस 36 प्लस बी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री कि नहीं मैं पहिले यस सर अच्छा वर्तमान जदि हम देखिबा पी सी क्यू आर को ट्रायंगल को देखिबा पी सी क्यू आर सॉरी स्क्वायर को देखिबा तो सेई डी सी एंगल 90 डिग्री हबने की यस सर तो ना कोन पइन देले ना त देले बुझबा उठे इजी हबो हला मु कोजी पी सी क्यू आर माने एटा होची पी एटा होची सी एटा होची क्यू एटा होची आर बुझियौ छी त एई एंगल 90 हबो कि नहीं यस सर हबो माने कर एटा केमे धइले ए एंगल को धइले ए धइले तले केते जइबो ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री ना बुझा पाइले नी यस सर ओके बर्तन देखिबा जदी आगुटा ट्रायंगल एम सी एन ओ सॉरी स्क्वायर रे एम सी एन ओ स्क्वायर जो देखिबा तले सेठी भी सी एंगल रे 90 हबो कि नै यस सर से एंगल टा कोटा दिस एंगल ओके तले ए एंगल टा की मिसि हबटा के होचंदी एईटा होजी ए दैट इज एक्स प्लस ए प्लस 27 हो कि नहीं यस सर अरे तीनटा इक्वेशन हम एट पाइले कौन पाइले एट तीनटा इक्वेशन पाइले बुझो जी अच्छा
तो बर्तमान जब हम कौन कर दुटा को मिसेद कौटा को मिसेवा एटा को यहाँ मिसेद बुझा मिसले के हम मिसा केमती हम एक्स प्लस 36 प्लस बी एटा सहित एटा मिसा आउ गए रहा एक्स प्लस ए प्लस 27 ए कि नहीं इजिकल टू आम मिसे ना इक्वेशन इक्वेशन चैप्टर फोर मिसे तो एलएचएस एलएचएस मिसले आरएचएस आरएचएस मिस एटा मिस 90 प्लस 90 हो जोनी यस सर ए दिरा का मैं ऐड करले बुझ पाले कि नहीं तो एटा इजिकल के दैला 180 लन नहीं यस सर बुझ लन नहीं तब नेक्स्ट कौन कहू जी तो ये आम कौन पाइं ए प्लस बी प्लस एक्स इज 90 डिग्री तो सही आम किसी पाँच ये जिनस पाँच ए प्लस बी प्लस एक्स टाइट ना कि पाँच ना रे अरे ये अच्छे ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल के 90 डिग्री अच्छे ना तो ये भी सेम जिनस ना कि ए प्लस बी प्लस एक्स तेल यार जगह 90 पकईपर तेल एक्स प्लस 36 प्लस 8 पकईपर के 90 पकईदे प्लस 27 बुझा पड़े इजिकल 180 हम कि ना ना बुझा पड़े टोटाल आंगेलटा यहाँ पाइं पी क्यू सी पी सी क्यूआर स्क्वयर रू या हूँ 90 तो आम ये दुटा को आड कले फर्मटा पाइले यहाँ को 90 पकईदे सिंपल बर्तमान एक्स पाइबानी तो कहते हैं एक्स प्लस 90 प्लस 36 प्लस 27 कहते हैं सच तेरे एक देख तीन न तीन बार तीन पंद्रह 153 इज इक्वल टू 180 एक्स बोलिए हाउ मच वन एटी माइनस 153 इज इक्वल टू 27 डिग्री एक्चुअली ये इक्वेशन ये जो इक्वेशन को सॉल्व कर ट्रिक्स आउ किसी ना नॉर्मल यहाँ हूँ कौन स्क्वायर दीजिए यह भाई तीन टा स्क्वायर दीजिए तीन टा इक्वेशन पाइले तीन टा इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व ये दुटा को आड कले एडिशन रे एई जो आडटा हैला एई एईटा पाइगले आमे से वैल्यू पके देले एई तापर आंसर पाइगले एक्स रो बुझी पारल नै तोरा करेक्ट आंसर केते हैला 27 डिग्री केते हैला 27 डिग्री बुझी पारल नै यस सर नै डाउट यस सर ओके आबर नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर कुछ ईएफ इज राइट एंगल ट्रायंगल ईएफ ए कोटा ई एफ ए दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल तो एटा हूँ 90 डिग्री कुछ ईएफ ए हूँ 90 डिग्री देखिए ईएफ एटा 90 डिग्री देखिए एफ जि बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एफ जि बी कौटा एफ जि बी ट्रायंगलटा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स ट्रायंगल का y हूँ दिस एंगल इज y ये जो एंगल टा हूँ y बुझ पाइले एटा दिस इज द y एंगल एटा हूँ x एंगल ए एंगल टा हूँ 92 ए एंगल टा हूँ 92 कितने आंसर सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए को जिसे 2 डिग्री तर बाहर ला सर ला सर 2 डिग्री सर मो 8 डिग्री तो कोलेन 8 डिग्री आज ने कोलेन 8 डिग्री
ଧୀରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସେଟା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯାଉଛି ପରେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଛି ତ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ହଁ ପ୍ରତି ରେ ପ୍ରତି ଆସିବନି ଦେଖ ଦେଖ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସି ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସି ପଏଣ୍ଟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 2 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି 92 ଏଇଟା କେତେ ସେଞ୍ଚୁରି 60 60 କାହିଁକି 60 ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଫ୍ ଜି ବି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲାଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଲାଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଓକେ ଇକ୍ୱିଲାଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା 60 ହେବ କି ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 60 ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ 60 କେତେ ହେବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 92 ପ୍ଲସ୍ 60 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହାଉ ମଚ୍ 180 ହେବ କି ନାହିଁ 180 ହେବ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଏକ୍ସ ପାଇଯିବାନି ଏକ୍ସ କେତେ ମାରିବେ ଏଠୁ ତ 180 ମାଇନସ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଟୁ 152 ତାହେଲେ 28 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ପାଇଲେ ଏଇଟା ଓକେ ତାପରେ 60 ରେ 28 ମାଇନସ୍ କରିବା ତ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଗଲା ହେଲା ତାହେଲେ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 2 × 28 କରିବା ଓକେ 6 to 28 ଭିଡ଼େ କୋଉଟା 60 ହବ କି ସାର ଯୋଉ ଏଫ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ଟୋଟାଲ ଟା 20 60 ନୁହଁ କି ତା ମାନେ ଏଇଟା ବାହାର କଲେ ସିନା ସେଟା ବାହାରିବ। ହଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଫ୍ ଜି ବି କ'ଣ କହିଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲାଟ୍ରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା 60 କି ନାହିଁ ୟେସ୍ ସାର ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ସାର ଏଇଟା ହବ 60 ମାଇନସ୍ 28 32 32 32 ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ୟେସ୍ ସାର 60 ମାଇନସ୍ 28 32 ତ ଯଦି ଏଇଟା 32 ହେଲା ତାହେଲେ ୱାଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 90 ମାଇନସ୍ 32 କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା କହିଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ଇ ଏଫ୍ ଏ କହିଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା କେତେ 90 ତାହେଲେ ୱାଇଟା କେତେ ପାଇବା ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 - 32 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହାଉ ମଚ୍ 60 58 କେତେ 58 ହବ ନା 58 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି କିଛି ବେଶୀ ଲେଖୁଛି କି ଲେଖୁନି 9 ରୁ ଏଇଟା ଫେଡ଼ିଲେ ପାଇଲି 58 ଏ କହୁଛି ୱାଇ ମାଇନସ୍ 2x ମାନେ କେତେ 58 ମାଇନସ୍ ଏଇଠି 58 ପଇଲା 58 ମାଇନସ୍ 28 56 2 ଡିଗ୍ରୀ ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ସାବାଇ ସାଇ ସାନା ସାଇର ଭୁଲ କହିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କରେକ୍ଟ ସାଗ୍ନିକ କହିଛି ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ତେବେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ସାର୍ପ ହବ ମନେ ରଖିଥାଉ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଲିଣି ଚାପ୍ଟରଟା ସାରିସାରିଲିଣି କେତେ ହବ କର ସଲ୍ଭ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାରିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନ୍ସର୍ ଡି ବିଟ୍ କିଏ କହିଲେଣି ଡି 36 48 ଏ କିଏ କହିଲେଣି 48 ସାର ମୁଁ ସି କହିଲି ନା ସାର ଏ ମୋର ଯେ 49 ତାର ଏ ବାହାରିଲାଣି 49 ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛର କହିଦିଅ ରେ ବିଟା କାହିଁକି ବିଟା ମନ କଷ୍ଟ କରିବ ହଁ କହିଦିଅ କାଳେ ବାଜିବ 3 ଜଣ 3ଟା ଆନ୍ସର୍ କହିଲିଣି କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ବୁଝି ଆର୍ ଟି କ୍ୟୁ ୟୁ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବୁଝାହଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖିବା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖିବା ବୁଝିହଉଛି ତ ସେଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇଠି ନୋଟିସ୍ କର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ଏଇଭଳିଆ ନାହିଁ କି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍
ओके तो पी की वो ट्रायंगल ले थी, नोटिस करो एटा हूँ पी, एटा हूँ क्यू, एटा हूँ आर। तो ये गोटे लाइन जाए कि यहाँ एटा हूँ यू पॉइंट ना कि, तो ये एंगलटा एटा नुह कि हेलो सेटा दे 134। तुम क्रॉस कर देला फिगर तुम प्रॉब्लम हो तुम, तेल एटा दे बी एंगल, एटा दे 49 एंगल, तेल एटा हूँ कहते ये एक्सटर्नल एंगल नुह कि ये ट्रायंगल पे ऐसा तले बी बी एंगल और 49 एंगल मिस के एटा हैबे नहीं कि, तले बी ए टू कहते पाइबा, बी ए टू कहते पाइबा, तो 134 माइनस 49 कहते पाइ जीवा 14 न गला 5 एटले 12 85 पाइले। ए बुझा बोले नहीं, हेलो सर बुझा पाई तले बी कहते पाइले दिस एंगल इज इक्वल टू 85 डिग्री, से पचारि बी माइनस ए पचारि ना। अच्छा अच्छा देखो ये तो बी 45 पाइला परे ए एंगल के पाई परिबा, सर 95 सॉरी सर 46 यस सर 46 अटा हाँ 180 रु 36 फिर कहीं की ना ए एंगल टा हूँ ए एंगल टा ठीक कि नहीं। ओके तो यही एंगल एंगल मिसिंग 180 हो, तो यही कैसे ही जीवो 180 माइनस 134 कैसे ही जीवो दैट इज 46 46। ओके यही पाई गला परे नाउ व्हाट वी विल डू, तो यही गोटे जिनस लक्ष्य लक्ष्य कर हैला, जो आमे गोटे 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 इंडिकेशन को नोटिस करिया, तो एटा गोटे एटा की सिंबल एक्चुअली आमे जानिछंती ए सिंबलटा माने कोन गोटे रे कि नहीं, ए सिंबलटा त माने एटा एटी एया पड़ जी माने कोन एटा गोटे स्ट्रेट लाइन ना की लाइन गोटे स्ट्रेट लाइन बुझबर ना, स्ट्रेट लाइन माने एटा रे पूरा कांस्टेंट जाय छी एवं एटा भी कांस्टेंट जाय छी, तो एदिरा पैरेलल न कि हां। अरे जदि पैरेलल हेबे तले मते गोटे कथा को कहो, जदि ए एंगल टा देख एडा केमि जाई मु कह दउ छी, एड देखो तुमको और टिके फिगर न कले बुझा पड़ियो नी, हे तेरी ए लाइन डैमेज जाई छी आ गो डैमेज जाई छी ना जाई छी कि नहीं, तापर बी टा गो डैमेज जाई छी, बी टा बी नुकी ए ए एंगल टा होची बी, अरे ए एंगल टा बी कि नहीं, एटा हूँ बी एंगल मुटा को ड्र कल, एटा हूँ पी आर, दिस इज पी आर लाइन, एटा हूँ एस टी लाइन, एटा इंटरसेक्ट पॉइंट कौटा, ये पॉइंट हूँ यहाँ, तेल मत ए एंगल सहित ए एंगल रिलेसन कौन, ये पारालाल ए लाइन पारालाल ये करेस्पंडिंग हो ना, ये करेस्पंडिंग जो ये 85 ये हम तो 85 हम कि नहीं बुझे। ओके तले भाबो एटी गोटे ए भा ट्रायंगल नै कि, ए भा ट्रायंगल टे अछि नै, एटा ई अछि नै रे यस सर, तले ए एंगल टे पाइले हमके 85 पाइ गेले, केते पाइले एटी हमे 85 ए एंगल टे पाइले 85, तो 85 प्लस 46 केते 85 प्लस 46 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, मुख परे कहिबी तले 85 प्लस 86 प्लस ए इज इक्वल टू 8 180 डिग्री, तले ए केते हि जीवो 180 माइनस ए दिर सम केते 56 एक दिसला 1 84 12 को 13 131, तो केते हि जीवो दैट इज 51 49 डिग्री, केते डिग्री 49 डिग्री बुझु छि कि नहीं, तले एटा केते पाइले ए एंगल टा दैट इज 49 59 लिख दी, 59 लिख दी 50 30 180 पा 49 डिग्री, तले 85 रु आमे जदी 49 फेड़ीबा केते पाइले आंसर 15 न गला 6 बुझियो छी,
आठ सात रु चार तीन 36 डिग्री के 36 डिग्री तो डी बी डी इज द करेक्ट आंसर बुझ डी बी डी किए कहला सागमुख सागमुख वेरी गुड सागमुख ओके तो मुझे कहली पा पणी गियर रहा उड़ी गिया आईला सारू गियर रहा बी एंगल टा 85 किन ला जानी पइला नहीं हेलो यस सर बी एंगल तो इतने भी तो इतना कैंडी ये डूबे तो ये तो मुंडो कॉरेस्पॉन्डिंग बोडू एंगल क्या की करेस्पोंडिंग एंगल अरे पागल तो देवा कोई ले यही जो सिंबल दे देने यही सिंबल यही सिंबल हाँ माने कौनो ये दिया पैरेलल लाइंस बुझ पर चो नहीं तो मु तो ड्रॉ कर ली पैसे टेबल भैया ये दिया पैरेलल लाइंस ये दिया गोटे ट्रांसपोर्ट सेल की नहीं ये ट्रांसपोर्ट सेल ये ड्रॉ कर ली तले ए एंगल से तो कौन संपर्क है ला ए एंगल से तो ए एंगल कौन संपर्क है लगी दैट इज कॉरेस्पोंडिंग तो कॉरेस्पोंडिंग एटा 85 पे है कि नहीं तो भावना तो यही जो पी क्यूटा आसी की सर बुझिले बुझिले PQ'टा से 8 जो सर इंटर बुझिले पी क्यूटा जो 8 इंटरसेक्ट करला ए एंगल ला फॉर्मेशन है लगी तले ए एंगल हो जो कॉरेस्पोंडिंग तो एटा है ला 85 सही हिसाब रे बुझी पाला ना ये सर बुझ गली सेमिति भी करी परिबा और सेमिति तो रेटा कोटे स्ट्रेट लाइन भी हो जी तोड़ता तलटा स्ट्रेट लाइन हो के मना कर लगी से तो रेटा पर क्यू टा पे क्यू टा क्यू जो पॉइंट से तो भी लीनियर पेयर हो जी ठीक है जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ना फोर 36 कम दिए लाम ना डबल चुना 85 रू 49 फिर ले हम कहते पाई बा 36 पाई बा 36 पाई बा किमी दिए ले बुझी पार नहीं 49 तोड़े आंसर दीजिए एटा एटा 49 आंसर दीजिए ना ना माने अपन जो कार्ड चेंज बात तोड़े से पचार जी बी माइनस ए फाइन द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए कहते पचार जी की पचार जी हमको बी माइनस ए एटा सीना बाहर ला 49 मुंड तू पिटी दे तो मामा को देखो सीढ़ी पता थी बेसर बाटती है से कह मम्मी मुंडा मोर बाटी दे खाई दे तू एटा को आंसर कह दिला 49 ए क्वेश्चन मतलब पड़ेगी सर वो एटा को आंसर कर दे जो से पचार माइनस ची फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए बुझाऊ ची देखियो सब जिनस ना खाली एटा कोटि ने डा लॉक कोन लगाएंगे तो एटा करना है एटा कंफ्यूजन करिया पे दबो कंफ्यूजन करिया पे सब दबो हला 85 भी दबो जरा पचार ची करियो हला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचल इन द फिगर ए सी डी एफ इज ए रेक्टांगल कोटा ए सी डी आफ गोटे रेक्टांगल बी डी इज ए ट्रायंगल एटा गोटे हूँ ट्रायंगल फाइंड फाइंड द बी डी ट्रायंगल बी डी कोटा बी डी एंगल मीन ए एंगल टाइम पचार सल्व करी कोई टा केते हबो चेष्टा करो हब रे हब केते आंसर हला 52 बाहर हला मोर भी 52 बाहर मो भी बाहर कर अच्छा वेरी गुड वेरी गुड समस्त वेरी गुड ओके देखो एटा गोटे एटा गोटे रेक्टांगल से एबीसीडी गोटे रेक्टांगल कह एसीडीएफ एटा तो ये जो ए एंगल 90 हम कि नहीं प्रथम कथा ओके ये 90 हेले एटा दे गोटे 48 तेल ए एंगल टा पाई कि एटा बहुत इजी क्वेश्चन एक्चुअली तो एटा केते पाइबा 90 माइनस 48 बुझ कि नहीं 90 माइनस 48
देख पाएगा तो 42 डिग्री, तो यहीटा 42 डिग्री, यहाँ 86 डिग्री, यहाँ 45, एटा तो बीडी गोटे ट्रायंगल, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पकेबा, तो ये एंगल के देखिए 180 माइनस 86 प्लस 42, सिंपल कितना एटा जीव 6 2 8 8 4 12, 128 फेड़ा गला, देखिए दैट इज 52 हम। हेलो बुझी हो ना दे पिल्ला माने? यस सर। हो 13 नंबर क्वेश्चन रे ये कह, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, यस सर। कितने आंसर सर? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन, यस सर। कितने भल्ला? 25, यस 25। ओके देखिबा देखिबा कौन बाहर दिला, ए बी सी डी गोटे कौन कोई जिसे रेक्टेंगल कोई जी, सी एफ ट्रायंगल गोटे कौन कोई जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी डी ट्रायंगल माने कौन कहते हम पचार कौटा कह एक्स तो ये एंगल टा 90 हम कि नहीं? ओके तो मत गोटे कथा कह रेक्टांगल माने 25 इज करेक्ट आंसर लगुच कहीं रेक्टांगल माने ए डी लाइन टा पैरेलल बी सी हम कि नहीं आम जानते ए बी सी डी रेक्टांगल कही ना ये पैरेलल हम नहीं यस सर, एटा पैरेलल सर एक्स नो एपोर्ट साइड टाइप भी राइट एंगल हबो मने तरह म कथडा सुन दी अलग गोटे साइड कथडा सुनो एक्स रो एटा एटा हो जी पैरेलल बुझियो जी तले एटा गोटे ट्रांसवर्सल कि नहीं तले ए एंगल से ए एंगल की रिलेशन हबो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कि नहीं मतलब मीडियन से हैला तो एटा जदी 65 दे जी तले एटा भी 65 हबो कि नहीं से आमको ये एंगल लगे पचार एंगल टा पचार कौटा दिस एंगल पचार यही के टोटाल ये जो एक्स 65 मिसी के 90 हम एक्स के 90 माइनस 65 25 इज द करेक्ट आंसर आउ सी एफ ट्रायंगल कौन पे दीजिए इक्विलेटरल कही आवश्यक ना एक्चुअली हेलो हेलो से कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट पके भी सॉल्व करी पे रही हेलो पिलाए यही कॉन्सेप्ट पके सॉल्व कर पे आ गुड कॉन्सेप्ट पके भी सॉल्व कर पे कौन कहले सेटा पे पे यस सर कौन कहले सेटा तो तबे तबे सही कॉन्सेप्ट पके लगे करथि एक्चुअली तो एई डे उडे 90 डिग्री हबो कि नै प्रथम कथा काहे कि जेहेतु एटा उडे रेक्टेंगल एटा 90 डिग्री हबो तले आमे जे धरिबा यस ए सी डी ट्रायंगल जो नोटिस करिया तले ए एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए एंगल 180 हबो नि कि Yes, sir. 90 plus 65 plus x is equal to 180 180 minus 90 plus 65 125 25 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
हेलो तमें एमती करती हो ठीक ना।
हेलो रे, नो सर, अपन मेरा फर्स्ट कॉल है सही डाकू। सीधे कोई पकड़ दीजिए। वेरी गुड। यस सर, सेम ला करती लो जो 20 पे अपन जोड़ा करते। हाँ, कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी रहूची कि नहीं, एक ट्रायंगल जो नोटिस करिया है बुझ बेला रे, एक ट्रायंगल जो नोटिस करिवा ए प्रॉपर्टी हो नहीं से सेम जिनस एमिति भी कर परियो। अब इसने एडवांस कंसेप्ट पढ़ चले कर दो छ। वेरी गुड। ओके, एटा कौन हो? 13 नंबर क्वेश्चन। फिकर नहीं नो फिगर। बढ़िया क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। रेशियो दे जी, एंगल माने करो रेशियो दे जी, किधर दे जी? 2:1, एस टू थ्री। सर आंसर हबो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल सर बी बीट कोई रेडी? कीड़ा ऑप्शन बी और ऑप्शन बी हो जी ना? सर ओके, एक्यूट कहीं हो भी। देखिए तो रेशियो थिला माने हैला एंगल, तो आमे एंगल एडी एंगल माने कर रेशियो दीछि, त माने एंगल गुडा केता हबो? गुटे 2x हबो, गुटे x हबो, गुटे 3x हबो। रेशियो थिबा ए नबो, त ये गुटे एंगल, ये गुटे एंगल, ये गुटे एंगल, ए तीनटा एंगल रे सम मिसि केते हि परिबो हम जानि छथि। 180 हबो कि नहीं? तो सिक्स सिक्स एक्स इज इक्वल टू 180 कि नहीं? यस सर। तले एक्स के दे जो 180 बाय 6 इक्वल टू 30 डिग्री। तले ए टू हम सब एंगल पाई जो नहीं, तले ए टा के दे जो 2x के दे जो 60 डिग्री, एक्स के दे जो 30 डिग्री, ए टा के दे जो 90 डिग्री। तले को ट्रायंगल ले को 90 डिग्री पाई ले, से ट्रायंगल ले के हमें कौन कौन थी? राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल बुझा पहला नहीं? देखिए जो जो ट्रायंगल रो रेशियो थिबो तीन गोटे एंगल थिबो 2 1 3 बुझ हो ना नहीं, से कैसे राइट एंगल ट्रायंगल पाइबा बुझ हो? सिंपल जिनसे जहाँ भी रेशियो दे दे वेटा वो एक्स बोली मानिए, सब बोले 2x x 3x सो सब तक मिसेबा एंगल सम प्रॉपर्टी जो 180 तक एक्स पाइला परे सब एंगल बाहर कर दो आराम से। नित मारती एक्चुअली से मे भी कनसेप्ट किसी भूल ही थी पारे, बुझा न पड़े पल सिंपल जिनस। चौदह नंबर क्वेश्चन कौन हम बोरिक लगे नहीं? कहाँ 14 नंबर क्वेश्चन? कहते आंसर बाहर तो बुझा पड़ोनी एक्चुअली तुम क्वेश्चन सिंपल भाषा में कहया कोले 25 कहलाणी आ 20 कहलाणी। देख सॉल्व आज पूरा कंप्लीट कर दा हैला, कौन कहूँ हाइट ऑफ टू पोल्स दुटा खुंट अच्छे है गोटे 40 मीटर आ गोटे 60 मीटर, हाइटा मापुचार माने आम तो जस्ट इमाजिन तो तांकर जो बेस्ट गोटे जगह थी कि नहीं बुझिपार कि नहीं रे, सी आर्थ सहित ग्राउंड सहित 90 डिग्री एंगेल करते किए के एंगेल करते ग्राउंड ग्राउंड सहित 90 डिग्री बुझा पड़ ना, गोटे 60 आ गोटे के 40 ए कहने कि हेलो रे। यस सर, से दीटा ग्राउंड गोटे जगह थी कि नहीं? ग्राउंड गोटे जगह थी निश्चिंत, हाइट मापुचार ना
ଏଇଟା ଟିକେ ହେଉଛି 40 ମିଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 60 ମିଟର, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା? ଓକେ, ଯଦି ଏ ବି ହେଉଛି ପୋଲ 60, ତାହେଲେ ସି ଡି କେତେ 40 ମିଟର, ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି? ହ୍ୟାଲୋ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାଣିବା, ଏଇଠୁ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ମନେକର ଇ, ତାହେଲେ ଡିର ଲେନ୍ଥ ଯେତିକି ହେବ ବି ସି ର ଲେନ୍ଥ ସେତିକି ହେବନି କି? ହେବ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡ୍ର କଲେ ବି ସି ବି ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୋଲ୍ଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ ହାଇଟ୍ ମାପିବାକୁ ହେଲେ, ଯାଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ପଚାରିଛି ମୁଁ କ'ଣ, ଉଇଥ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟପ୍ସ ଇଜ୍ କେତେ 25 ମିଟର, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ଡିର ଏଇଟା ଟପ୍ ନୁହେଁ କି? ସି ଡି, ସି ଡିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଟପ୍, ଏ ବିର ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଟପ୍? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଟପ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ? 25 ମିଟର, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଡିର ଲେନ୍ଥ କେତେ ପାଇବା? 25 ପାଇବା କି ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା 25, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସି ଡି ହେଉଛି କେତେ 40 ମିଟର, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବି ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେବ? 40 ମିଟର ହେବ ନା ଏଇଠି ଦିଗ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 60 ମିଟର କେଉଁଟା? 60 ମିଟର ହେଉଛି ଏ ବି, ଏଇଠି ଦିଗ ହେଉଛି 60 ମିଟର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏ ଇ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇ ହେଇଯିବନି 20 ମିଟର? ହ୍ୟାଲୋ, ହବ ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଦୁଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପଚାରିଛି ସେଇଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲ୍ସ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ସି ପଚାରିଛି, କେତେ ପଚାରିଛି? ବି ସି ପଚାରିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି 25, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା କାଢ଼ିପାରିବାନି, ଡି କାଢ଼ିପାରିବାନି, ଏବଂ ଡି ର ଲେନ୍ଥ ଯେତେ ବି ସି ର ଲେନ୍ଥ ସେତେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଟ୍, ତାହେଲେ ଡି କେତେ କେମିତି ପାଇବା? 25 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
कहते इधर इज आंसर, मुझे हाँ मालूम तो नहीं चार ठीक है। को तो 20 की 25 कूद ले दी देंगे। बुझ भाई ना भाई, दिव्या ज्योति ମୋ ବୁଝିଲୁ? ପାଖରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ ଗୁଡା ଅଛି। 15 ବଦଳରେ ମୋ ବହିରେ 5 ଦେଇଛି, 15 ଟା କହି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ହେଇଥା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ନା? ଅଛି ନା ସେ ପଳେଇଲା। ୟେସ୍ ସାର୍। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବୁକ୍ରେ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ବୁକ୍ରେ। ଅଛି କରନୁ, କୁହ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କହିଦେ କେତେ ହବ କେତେ ହବ। ଦୁବାଇ ଦୁବାଇ କହିଦେ କହିଦେ କହିଦେ, କୁଇକ୍ କୁଇକ୍ କୁଇକ୍। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଟାର ଆନ୍ସର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବ ମୋର। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? 18 ମିଟର ଆଉ ଟିକେ ପରେ, 18 ମିଟର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଲାଇନ ଆସିବ କେମିତି କୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୋର ବାହାରିବ। ପାଗଳଟା ମୁଣ୍ଡରେ କାମ କରୁନି।18 ମିଟର ହିଁ ହବ। ଏଟା ୟେସ୍ କରିବି ମୁଁ, ସାର୍ 18 ମିଟର କରିବି ଆନ୍ସର କରିବି ହେଲା, ଥାଉ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ମୋ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଡିଥିଲା। ଖୁସି ହଉଛି ନାନୀ?
ସେ କହୁଛି ଟ୍ରି ଇଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଆଟ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ 5 ମିଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେ 5 ମିଟର ହାଇଟ୍ରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ହୁଏ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାହେଲେ 5 ମିଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ 5 ମିଟର ହାଇଟ୍, ତା ମାନେ ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି 5 ମିଟର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଏବଂ ଏଇଟା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ। ହେଲେ ମନେକର ସେ ବି ପଏଣ୍ଟରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଇଟା ଟ୍ରିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଓ ଏ ହେଉଛି ଟ୍ରିର ହାଇଟ୍, ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଟ୍ରି ଥିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ପଡ଼ିବ ଏଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଇଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ କେଉଁଟା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟପ୍ ପାର୍ଟ, ଟପ୍ଟା ସେ ଟଚେସ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ 12 ମିଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି। ତାହେଲେ ଟପ୍ଟା ଏଇଟା ଆସିଲା, ବାବୁ ଆସି 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 ଟପ୍ଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା, ତା ବେସ୍ରେ ଲାଗିଲେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଡ଼ିଲେ, ହଁ ଟପ୍ଟା ସେଇଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କଲା ବେସ୍ରୁ 12 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍, ବୁଝିହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ହାଇପୋଟେନସ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ, ଆର ହାଇଟ୍ ଯାହା ଏ ବିର ହାଇଟ୍ ଏ ଯାହା ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବିର ହାଇଟ୍ ସେଇଆ, ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି 5, ଏଇଟା ଦେଇଛି 12, ହାଇପୋଟେନସ ପାଇଯିବନି, କେତେ ପାଇବାଟା, 5 12 13 ହେଇଯିବନି। ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି କେତେ, ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଓ ବି ହେଉଛି ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଓକେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏହାର ହାଇପୋଟେନ୍ସ ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ହାଇପୋଟେନ୍ସ ପାଇବା କେତେ, 13 ପାଇବା, ଗୋଟେ 5 ଗୋଟେ 12 ଦେଇଛି, ତ ଟ୍ରିର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଓ ବି, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମିଶିଲେ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆର ହାଇଟ୍ ଯା ଆର ହାଇଟ୍ ସେୟା, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ନା, ତେଣୁ କେତେ ହେବ 13 + 5 = 18। ଏଇଟା 16 ନମ୍ବରଟା କୁହ, କେତେ ହବ ଆନ୍ସର, 30 ବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ନା, ଯେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ ସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରିପାରିବ, ତ ତୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ବି କରିଦେବୁ, 30 ନା, ଦେଖିବା। ଏଭ୍ରିଡେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସି ଅପସନ୍, ସି କହିଲାନି ଦିବ୍ୟ, ଯଦି ସାଗ୍ନିକି ଆଗ୍ରହ ହବ ତମର ହଉନି, ମିଟର ଲଙ୍ଗ ଲ୍ୟାଡର, ଲ୍ୟାଡର ମାନେ କ'ଣ କିରେ, ସିଡି 34 ମିଟର, ଓକେ ଦେଖିବା ବି ବିଟ୍, ସେ କହୁଛି ଦି ଜଣ ବି କହିଲେ, ମୋର ବି ବିଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ବି ବିଟ୍ ହଁ 34 ମିଟର ଲଙ୍ଗ ଲ୍ୟାଡର ରିଚ୍ ଏ ୱିଣ୍ଡୋ ହେଲା 16 ମିଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଲ୍ୟାଡର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 34 ମିଟର ହେଲା କି ନାହିଁ, କହୁଛି ରିଚ୍ ଏ ୱିଣ୍ଡୋ 16 ମିଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ସେ ୱିଣ୍ଡୋଟା କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, 16 ମିଟର, ବୁଝିବୁଝି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲ୍ୟାଡରଟା ଏମିତି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଇ କେମିତି ଅଛି, ସେ ଲ୍ୟାଡରଟା କେମିତି ଅଛି, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରଟା 16 ମିଟର, ହଁ ତାହେଲେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାଡର ନା, ସେଇଠି ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଟା, ଏଇଠି ଅଛି ସେ ୱିଣ୍ଡୋଟା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, 16 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ବୁଝିହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଡର ଲାଗିଛି, ସେ ଲ୍ୟାଡର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କେତେ, 34 ମିଟର, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବେସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ୱିଣ୍ଡୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଟାକୁ ଝରକାର ଥିବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖି ମୁଁ ଦେଇଛି 34 ମିଟର, ସିମ୍ପଲ, ଏଇଟା ସେ ବେସ୍କୁ ପୁଣି ସେଇଟା ସେମ୍ ବେସ୍କୁ ଲାଗିଥିବ କି ନାହିଁ, ସେମ୍ ବେସ୍କୁ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ କେତେ ପଚାରିଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଡର ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାଲ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋର ୱାଲ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାଡର ଫୁଟ୍, ଏହା ଏହା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ଏଇଟା ଓ, ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ବି,
दिस इज 34, दिस इज 16, आसीबा नहीं, दिस इज 90 डिग्री, कौन कर दिया, वो एक इंटर है, पाइथागोरस थ्योरम, सर बेस रो फॉर्मूला, 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, यस सर, 34 स्क्वायर अलग 1156 माइनस टू माइनस टू यस सर कितने जीवो था ले वो और 900 जीवो तल 30 है वो यस सर तू कौन पे सी को दिलो सर मैं मिसे दे दिली मिसे दे दिलो मिसे दिल तो खबर नहीं सीटा मिसे दिल है जो की 34 ना मिसे दिल तो खबर नहीं 50 मुंडा पगला है जे रे से दबो कोन भाई हम जानि छि आइटा जदि बी बेस आइटा पी हुए आइटा एच हुए हम जानि छि कोन बेस बाहर कर दिया ना तले बेस रो स्क्वायर इज इक्वल के दै जिवो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तले बी के दै जिवो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट ओवर तले एटा एटा राइट आंसर